परम सत्कार योग साध संगत जी अपने अपने मन बिरत एकाग्र कर लिये एक बार गज के आख लिये धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज की साखी का विशा है अंतरजामी इच्छा पूर्वक सतगुरु जगजीत सिंह जी। सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी घट घट के जानन हार अंतरजामी सतगुरु जी हैं। उन्होंने किस तरह एक गैर नामधारी सिख के फुरने नु पूरा किया, ये साखी सुनो। ये वार्ता सानू सचौंठ दी है। समाणा मंडी दे नेड़े अजीमगढ़ हरियाणा दे रहन वाले संत जंगीर सिंह जी इस तरह दसदे हन कि एक बारी सच्चे पातशाह जी नरवाणा शहर दे पिंड थो विच दर्शन दे रहे सन। उतो उस पिंड दे लोकां ने किसे खुशी विच मेला करवाया। उन्होंने भरा संत दलीप सिंह जी ने उतों एक ज्ञानी अमरीक सिंह जी ना दे निहंग नूं कहा कि चल तेनू सतगुरु जगजीत सिंह दर्शन कराइए, नाले मेले का आनंद माणिए। निहंग सिंह गल मन गया अते नाल चल पिया। उत्थे पहुंच के संत दलीप सिंह जी ने सतगुरु जगजीत सिंह चरणा विच अर्ज की कि आप जी ने श्री भैणी साहब जाना है, साडा पिंड अजीमगढ़ रस्ते विच ही है, आप जी साडे पिंड साडे घर चरण पाउण दी कृपा करो। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि अजे सानू होर काम है, किसी होर वेले चरण पाउण आ जावांगे। निहंग सिंह ने सोचा कि कहंदे हन कि सतगुरु जगजीत सिंह जी दशम पातशाह दे अवतार हन, मैं ता मन्नांगा जे ए सिद्धे सिर्फ मेरे घर ही चरण पाउण। जाने जान अंतरजामी सतगुरु जी ने उस वेले ही दलीप सिंह जी नूं वचन किया कि असी कल्ले निहंग सिंह दे घर चरण पाउण चले जाइए ता तैनूं मंजूर है। संत दलीप सिंह जी ने अर्ज की कि जिवें आप जी दी रजा। सच्चे पातशाह जी ने अगले दिन सवेरे 9 बजे दा वक्त दे दिता। संत दलीप सिंह जी ने होर स्कीम बनाई कि जदों सच्चे पातशाह जी कार साडे पिंड साडे घर दे नेड़े आएगी तां कार खलार के अपने नामधारियां दे घर चरण पवा के फिर निहंग सिंह दे घर लै चलांगे, क्योंकि पिंड विच निहंग सिंह दा घर उन्हां दे घर तों बाद विच आउंदा है। पर बंदे दीआं स्कीमां रब दे अग्गे फेल हो जांदियां हन। अगले दिन जदों अंतरजामी दिलां दे जाननहार सच्चे पातशाह जी पहुंचे तां दलीप सिंह जी ने अपने घर चरण पाउण दी अर्ज कीती। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि असी कल्ले निहंग सिंह दे घर चरण पाउणे हन अते दलीप सिंह नूं निहंग सिंह दे घर वल अग्गे चलण दा हुक्म किया। इस तरह ओह निहंग सिंह दे फुरने मुताबक सीधे ओहदे घर पहुंच गए। निहंग सिंह तां धन हो गया, ओहदी तां निशा हो गई। उन्हें पूरी श्रद्धा नाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे अवतार सतगुरु जगजीत सिंह चरणा ते नमस्कार कीती। ओह सतगुरु जी दा पूरन श्रद्धालु सिख बन गया। सतगुरु जी ने होर किसी नामधारी सिख दे घर चरण नहीं पाए अते श्री भैणी साहिब नूं चल पए। जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिन्हां सतगुर मिलिया। निहंग सिंह दे पिछले चंगे कर्म जाग पए सन। गुरबाणी दसदी है कि तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उच भगवाना। धन धन हन अंतरजामी घट घट दी जानन हार इच्छा पूर्वक श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। आओ उन्हां दी चरणा दी धूड़ी मुख मस्तक ते लगा लईए। सत श्री अकाल।